नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के ताजा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ इस हफ्ते विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में। हवा की शुद्धता मापने वाले सूचकांक से लेकर भूकंप की तीव्रता बताने वाले और तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी तक, पिछले हफ्ते विज्ञान के क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई बताएंगे आपको बारी बारी। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। आप कितनी ताजा आबो हवा में सांस लेते हैं ये बताएगा आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक। दक्षिण भारत में आ सकते हैं भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता मापने वाले नक्शे से मिली चेतावनी। अब आसमान पर चमकेगा धरती का सितारा, विश्वनाथन आनंद के नाम से होगी एक छोटे प्लैनेट की पहचान। खत्म हुआ करीब 2 साल लंबा इंतजार, काम पर वापस लौटा लार्ज हैड्रन कोलाइडर। आज के खोज खबर सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि देश में किस तरह तंबाकू का धीमा जहर गहरा होता जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। आधुनिक शहरी जीवन में घर से बाहर निकलने पर अक्सर धुएं और धूल की वजह से घुटन होना मानो आम बात हो गई है। कई बार तो हम सिर्फ प्रदूषण की वजह से ही बाहर नहीं निकलते, लेकिन अब हवा की शुद्धता बताने वाला एक ऐसा सूचकांक आ गया है जो आपको बाहर के प्रदूषण के बारे में सही जानकारी देगा। इसकी मदद से आप घर से बाहर निकलने या नहीं निकलने का फैसला ले सकते हैं। भारत का ये पहला वायु शुद्धता सूचकांक हाल ही में राजधानी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के हाथों शुरू किया गया। अनगिनत गाड़ियां, कारखाने, प्रदूषण और तेजी से कम होती हरियाली, देश के ज्यादातर शहरी इलाकों में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि हमारे शहरों की आबोहवा काफी तेजी से प्रदूषित होती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण का हमारी सेहत पर कितना खतरनाक असर पड़ता है। अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमें सांस लेने के लिए साफ सुथरी हवा मिल सके। इस समस्या के समाधान के लिए अब भारत का पहला वायु गुणवत्ता सूचकांक आ गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये सूचकांक हमें प्रदूषण के स्तर के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। इससे लोग ये समझ पाएंगे कि प्रदूषण का उनकी सेहत पर कैसा असर पड़ेगा। ये सूचकांक 8 प्रदूषक तत्वों के आधार पर एक ऐसी संख्या तैयार करेगा जिसके आधार पर वायु प्रदूषण के स्तर को समझा जा सकता है। इसके अलावा ये सूचकांक कलर कोडिंग के जरिए हमारी सेहत पर होने वाले असर के बारे में भी बताएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए नए तरीकों की खोज पर जोर दिया और लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। हम कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो सारे नीति नियम बना रहे हैं, विश्व के अंदर एक बंधनों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक के आने से उम्मीद बंधी है कि लोग प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में और जागरूक होंगे और अपना पूरा योगदान देंगे। कुदरत की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक भूकंप भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर कहर बरपाता रहता है। इस बार नजरें टिकी हैं दक्षिण भारत पर, जहां भूकंप के झटकों की आशंका जताई जा रही है। शोधकर्ताओं के एक दल ने भूकंप की तीव्रता मापने वाला एक नक्शा बनाया है जिसके मुताबिक दक्षिण भारत में भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उसके क्या नतीजे होंगे और हम किस तरह हालात का सामना करेंगे, आइए देखते हैं। बिहार में 1934 में आया भूकंप हो या फिर 2001 में गुजरात में आई तबाही, भारत भूकंप की त्रासदी के लिए नया नहीं है। हालांकि अब तक देश के दक्षिणी हिस्से को भूकंप के मामले में शांत माना जाता है,
लेकिन यहाँ भी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। भूकंप के पूर्वानुमान का एक नक्शा इस ओर इशारा करता है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह नक्शा तैयार किया है। सो प्रेजेंटली वी अटेम्प्टेड रप्चर बेस्ड साइस्मिक हजार्ड एनालिसिस बाय गिविंग एम्फसाइज टू लोकेट ए प्रोबेबल फ्यूचर अर्थक्वेक लोकेशन एज वेल एज फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। बेसिकली we try to locate a new earthquake by eliminating the old damaging earthquake and locating the micro earthquakes and seismic sources. So by eliminating this we able to identify the probable locations. So from the probable location so we could able to estimate the representative seismic hazard values. Iske baad dakshin bharat mein aise 8 ilake hain jinme agle 50 varshon mein bhishan bhukamp aa sakta hai। वैज्ञानिकों ने इस पूर्वानुमान के लिए एक नई रप्चर बेस्ड सिस्मिक हैजर्ड एनालिसिस नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक के जरिए इन संभावित भूकंपों की तीव्रता का पता लगाने की कोशिश भी की गई है। इसके आधार पर पूरे दक्षिण भारत में भूकंप के पूर्वानुमान का नक्शा तैयार किया गया है। इस नक्शे से न सिर्फ इन इलाकों में भूकंप रोधी ढांचे खड़े किए जा सकेंगे बल्कि आपदा प्रबंधन की बेहतर योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। यहां सबसे पहले आपसे एक सवाल है। रॉजर फेडरर, जेसी ओवेंस, आर्सन वेंगर, डोनाल्ड ब्रैडमैन और भारत के विश्वनाथन आनंद में एक जैसा क्या है? जी हां, ये सभी अलग अलग खेलों की मशहूर हस्तियां तो हैं ही, इन सभी के नाम पर छोटे ग्रहों के नाम रखे जाएंगे। विश्वनाथन आनंद भी तब इस अनूठे क्लब में शामिल हो गए जब हाल ही में एक प्लैनेट का नाम 4538 विश्वानंद रखा गया। कब और कैसे हुआ ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हाल ही में एक सम्मान मिला है। वैज्ञानिकों ने एक छोटे आकार के ग्रह का नाम 4538 विश्वानंद रखा है। ये ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में स्थित है। अक्टूबर 1988 में जापान के केंजो सुजुकी ने इस ग्रह की खोज की थी। तब से लेकर अब तक इसे कोई नाम नहीं दिया गया था। ग्रह को ये नाम देने का आइडिया माइनर प्लैनेट सेंटर में काम करने वाले माइकल रुडेंको ने दिया, जो कि शतरंज के जबरदस्त फैन भी हैं। माइनर प्लैनेट ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह जितने बड़े नहीं होते लेकिन जिनका आकार धूमकेतु से बड़ा होता है। कई ड्वार्फ प्लैनेट्स और छोटे तारों को भी माइनर प्लैनेट की श्रेणी में रखा जाता है। माइनर प्लैनेट सेंटर के डेटा के मुताबिक अब तक करीब 6,70,000 माइनर प्लैनेट खोजे जा चुके हैं। इनके नामकरण की एक अच्छी खासी प्रक्रिया है जिसे पूरा होने में कई बार दशकों का वक्त भी लग सकता है। अब आनंद ऐसे नवे भारतीय बने हैं जिनके नाम पर अंतरिक्ष में किसी खगोलीय वस्तु का नाम रखा गया है। प्रकाश की किरणें अब समांतर पाइप के अंदर दोनों दिशाओं में गमन कर सकती हैं। बिग बैंग का रहस्य सुलझाने के लिए महीने भर के अंदर असली टक्कर होने वाली है, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले दोगुना ईंधन खर्च होगा। करीब 2 सालों के अंतराल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मशीन लार्ज हैड्रन कोलाइडर बनकर तैयार है, जिसे 5 अप्रैल को फिर से शुरू किया गया। इस बार इस प्रयोग के जरिए डार्क यूनिवर्स जैसे भौतिकी के कुछ बेहद रोमांचकारी सच के सामने आने की उम्मीद है। गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज के बाद अब जिनेवा में दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर अस्तित्व के नए रहस्यों से पर्दा उठाने को तैयार है। तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC को दोबारा चालू किया गया है। कोलाइडर की क्षमता को दोगुना करने के मकसद से इसमें प्रयोग का काम रोका गया था। 5 अप्रैल को वैज्ञानिक
परमाणविक कणों की किरण को कोलाइडर की दोनों पाइपों से गुजारने में कामयाब रहे। Now we have just managed to do the first turn with the anti-clockwise beam, so beam 2. We've been threading the beam all along the ring, and we managed to keep it for 25 turns already without DRF capture, so this is already a big success. हालांकि 27 किलोमीटर लंबे कोलाइडर में पार्टिकल्स की टक्कर करवाने में अभी एक और महीने का वक्त लगेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि बढ़ी हुई क्षमता के बाद LHC फिजिक्स के बिल्कुल नए सिद्धांतों की नींव रखेगा। उनका इरादा कोलाइडर के भीतर इन बुनियादी कणों को प्रकाश की गति पर एक दूसरे से टक्कर करवाने का है। इन छोटी छोटी टक्करों को आप अंतरिक्ष के पहले लम्हे में हुए धमाके बिग बैंग का मिनी वर्जन मान सकते हैं। What next? We have to continue to correct a little bit the trajectory to make it the beam now do multiple turns. Then we can start capturing it with the RF system. But in the meantime, we'll try the other beam in the other direction and try and get that to the same stage. Big Bang की प्रक्रिया को दोहराने से रहस्यमय डार्क मैटर का सबूत भी मिल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरे अंतरिक्ष का तकरीबन 25% हिस्सा इसी डार्क मैटर से बना है, लेकिन फिर भी ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही उसे महसूस कर सकते हैं। LHC के प्रयोगों का ये नया चरण अस्तित्व के छिपे हुए आयामों यानी हिडन डायमेंशंस के बारे में भी कीमती जानकारी दे सकता है। वैज्ञानिकों को ये जवाब मिलने की भी उम्मीद है कि गुरुत्वाकर्षण कुदरत की बाकी ताकतों की तुलना में कमजोर क्यों होता है और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एंटी मैटर से क्यों नहीं बनी है। मरम्मत के बाद शुरू में प्रोटॉन के विकिरण को कोलाइडर के भीतर अपेक्षाकृत कम ऊर्जा दी जाएगी, लेकिन आने वाले महीनों में इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को करीब 13 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की ऊर्जा से गति दी जाएगी। विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया के अनदेखे और अनजाने सच खोजने निकले सर्न के इन वैज्ञानिकों को ज्ञान विज्ञान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और अब देश और दुनिया में विज्ञान के मामले में क्या कुछ हो रहा है खास, आइए नजर डाल लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आह्वान किया है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के दीर्घकालिक विकल्प के तौर पर परमाणु ऊर्जा की अहमियत पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से ठीक पहले भारत में फ्रांस के राजदूत ने भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया। फ्रांस की कंपनी एरिवा के साथ भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के बीच सहयोग की भी खबर है। दोनों मिलकर महाराष्ट्र में कुल 10,000 मेगावाट के 6 रिएक्टर लगाने वाले हैं। डॉक्टर एम अन्ना दुरई ने 1 अप्रैल को बेंगलुरु के इसरो उपग्रह केंद्र के निदेशक का पद संभाल लिया। डॉक्टर अन्ना दुरई बेमिसाल वैज्ञानिक माने जाते हैं। वो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कार्यक्रम के प्रोग्राम डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर अन्ना दुरई ने उपग्रह केंद्र में डॉक्टर SK शिव कुमार की जगह ली है। वो 1982 से इसरो के साथ जुड़े रहे हैं। डॉक्टर अन्ना दुरई इनसेट उपग्रह के 8 मिशन में शामिल रह चुके हैं। चंद्रयान 1 की कामयाबी में भी उनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर अन्ना दुरई को रिकॉर्ड वक्त में मंगलयान को कामयाबी दिलाने का श्रेय भी जाता है। डॉक्टर अन्ना दुरई छात्रों के लिए 2 उपग्रह परियोजनाओं का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का उत्पादन बढ़ाने जा रहा है। पिनाका सिस्टम को पहली बार करगिल की जंग में इस्तेमाल किया गया था, वहां इसे बेहद कामयाबी मिली थी। पिनाका सिस्टम 40 किलोमीटर दूर तक रॉकेट दाग सकता है। ये 6 लॉन्चर
छह लोडर्स और मौसम संवेदी रेडार समेत अत्याधुनिक साजो सामान से लैस रॉकेट प्रणाली है। इसके जरिए 40 सेकंड से भी कम वक्त में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये रॉकेट अपने दायरे के 1000 मीटर तक आने वाली किसी भी चीज को नेस्तोनाबूद करने में सक्षम हैं। कृत्रिम हीरे के कारोबार में ठगी पर लगाम कसने के मकसद से गुजरात में डायमंड डिटेक्शन एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत हुई है। सेंटर का उद्घाटन 3 अप्रैल को किया गया। इस संस्थान में बेहद कम दाम पर इस बात की जांच करवाई जा सकेगी कि हीरों में कहीं मिलावट तो नहीं। सिंगापुर और चीन के रास्ते कृत्रिम हीरों के अवैध कारोबार को रोकने के मकसद से ये सेंटर तैयार किया गया है। कृत्रिम हीरे धरती की गोद में नहीं बनते, इन्हें खास प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इनके गुण लगभग असली हीरों जैसे ही होते हैं। भारतीय मूल के युवा छात्र प्रताप सिंह ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग मुकाबले में प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पुरस्कार जीता है। प्रताप सिंह को अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पर रिसर्च के लिए ये सम्मान मिला। प्रताप सिंह ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसमें आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक गति के समय पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। उन्होंने इसे बनाने में प्रयोगशाला के साधारण उपकरणों का इस्तेमाल किया है। प्रताप सिंह की रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका फिजिक्स एजुकेशन में जगह मिली है। सुनीता तोमर और मुकेश हरानी, ये दोनों नाम हम बखूबी जानते हैं। बेहद दुखद है कि कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इन दोनों का निधन हो गया, लेकिन ये दो नाम उन 10 लाख लोगों में से हैं जो हर साल तंबाकू की वजह से जान गंवा देते हैं। ये एक गंभीर चेतावनी है, अगर तंबाकू चबाते रहे और धूम्रपान करते रहे तो समझिए कि कैंसर या दिल की बीमारी से होने वाली किसी दर्दनाक मौत के करीब जा रहे हैं। हम आज के खोज खबर सेगमेंट में आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये तंबाकू धीमा जहर बनकर देश में फैलता जा रहा है और हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। सुनीता तोमर अब नहीं रही। भारत में तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाने वाली सुनीता तोमर का मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। केवल 28 वर्ष की उम्र में सुनीता मुंह के कैंसर से पीड़ित थी। उनका कैंसर चौथी स्टेज में पहुंच चुका था और डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी उन्हें वर्षों तक तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से हुई थी। हम में से कई लोगों ने सुनीता को पिछले साल टीवी और रेडियो पर तंबाकू के खिलाफ प्रचार करते देखा या सुना होगा। करीब 30 सेकंड के सुनीता नाम के इस वीडियो में तंबाकू के खतरनाक असर के बारे में बताया गया था। उसी से प्रेरित होकर सरकार ने तंबाकू उत्पादों के सभी पैक्स पर सचित्र चेतावनी जारी की थी, जो 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई है। हमारे देश में हर साल करीब 10 लाख लोग तंबाकू की वजह से मौत का शिकार बन जाते हैं और सुनीता की कहानी उन्हीं में से एक है। हर एक फिल्म की शुरुआत में सार्वजनिक स्थलों पर और टीवी रेडियो पर हम लगातार तंबाकू के इस्तेमाल को लेकर चेतावनियां सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं? एक वैश्विक सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 27 करोड़ 49 लाख लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 35% युवा किसी ना किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत में करीब 36.9% बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र में धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं। करीब 4.2% छात्र सिगरेट पीते हैं, जबकि 11.9% छात्र तंबाकू के अन्य उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। लोग अलग अलग कारणों से धूम्रपान की लत पाल बैठते हैं। ज्यादातर लोग भागदौड़ भरी इस जिंदगी में तनाव से छुटकारा पाने के लिए इसका सेवन करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हर बार जब वो धूम्रपान करते हैं या तंबाकू चबाते हैं तो करीब 3000 से 4000 घातक यौगिक उनके अंदर जाते हैं, जो उन्हें
बीमार बनाते हैं। इन खतरनाक रसायनों में निकोटिन, नॉर निकोटिन, कोटिनिन, एनाटेबिन और एनाबेसिन शामिल हैं। तंबाकू में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है वो निकोटीन है, जो कि हाईली एडिक्टिव है और साथ में कार्सिनोजन है। तो निकोटीन के अलावा जो तंबाकू का कंटेंट होता है उसमें मोर देन 4000 और दूसरे केमिकल्स होते हैं, और उसमें टार भी होता है जो कि तंबाकू के साथ बॉडी में जाता है और उनके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है या कैंसर को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ा देता है बॉडी में। इसके अलावा तंबाकू में फाइटोस्टिरोल नाम के रसायन जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैम्पेस्ट्रॉल भी होते हैं। इनके अलावा मरकरी, लेड, कैडमियम और क्रोमियम जैसी धातुओं के अवशेष भी जहर का काम करते हैं। जब निकोटिन और नॉर निकोटिन जैसे एल्केलॉइड्स शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जिनसे कैंसर होता है। ये रसायन सीधे हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे शरीर की कोशिकाओं के विकास की प्रक्रिया बेकाबू हो जाती है और ट्यूमर या कैंसर बनता है। ये पदार्थ शरीर के किसी प्रोटीन को भी घातक तौर पर सक्रिय कर सकते हैं। और अगर हम देखें हानिकारक प्रभाव तंबाकू के, तो पूरी बॉडी पर होते हैं, ब्रेन से लेके हमारे लेग्स तक। अगर हम ब्रेन की बात करें तो उससे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर नीचे आए अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ कैंसर, ओरल हाइजीन पुअर हो जाता है, बहुत सारी डेंटल इलनेसेस हो जाती हैं। फिर हम और नीचे जाएं उससे गले का कैंसर भी होता है, ईसोफेगस का कैंसर भी होता है। लंग्स की बात करें, लंग्स का कैंसर होता है, अस्थमा हो जाता है। जिनको ऑलरेडी अस्थमा की बीमारी है वो बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। एम्फाइसीमा, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है लोगों को, ये बीमारी हो जाती है। लंग्स के बीच में ही हमारा हर्ट होता है। तो तंबाकू खाने से या स्मोकिंग करने से, जिसमें कि निकोटीन होता है, उससे भी हमारी जो हर्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाता है। तंबाकू के सेवन से मुंह, फेफड़ों, गले, पेट, गुर्दे, किडनी और ब्लैडर समेत शरीर के कई अंगों का कैंसर हो सकता है। तंबाकू से कई ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर के मामले भी सामने आए हैं। आंकड़ों से ये साफ हो चुका है कि भारतीय पुरुषों में जो 5-6 सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर के प्रकार हैं, वो तंबाकू से होते हैं। इनमें फेफड़े, मुंह, गले और खाने की नली का कैंसर शामिल है। महिलाओं में भी यही बात साबित हुई है। सुनीता जैसे कैंसर के शिकार महंगे इलाज में सब कुछ लुटाने के बाद भी मौत से कम ही बच पाते हैं। धूम्रपान से धमनियों का लचीलापन कम हो जाता है, इससे अंगों तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए तंबाकू से सिर्फ कैंसर ही नहीं, दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा रहता है। धूम्रपान करने वाले अक्सर सांस की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकार देखे गए हैं। सीधे धूम्रपान करने वाले अपनी सेहत से समझौता अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन वो इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को भी उतना ही खतरे में डालते हैं। परोक्ष रूप से धूम्रपान करने वाले यानी पैसिव स्मोकर्स का इस बात पर वश नहीं होता कि वो कितना धुआं अपने भीतर ले रहे हैं, लिहाजा घातक बीमारियों का खतरा एक तरह से उन पर और भी ज्यादा रहता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकार ने तंबाकू के इस्तेमाल को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये ऐसा मसला है जो व्यक्तिगत स्तर पर समझदारी दिखाकर ही सुलझाया जा सकता है। तो अगली बार जब आपका सिगरेट पीने का दिल करे तो ये याद कीजिएगा कि एक सिगरेट का मतलब है आपकी जिंदगी के 11 मिनट कम होना और अस्पतालों में दर्द भरे दिन बिताना। आइए तंबाकू को ना कहें, अपने लिए, अपनों के लिए। और विज्ञान के इतिहास में कितना अहम है ये हफ्ता, जानने के लिए देखते हैं हमारा सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। Thank you.
ऑस्ट्रेलियाई मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांसिस हेज ने 12 अप्रैल 1912 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कॉस्मिक किरणों का पता लगाया था। अपने प्रयोगों के आधार पर हेज ने ये निष्कर्ष निकाला था कि ग्रहण के दौरान भी आयनीकरण का स्तर कम नहीं होता और सिर्फ सूर्य ही रेडिएशन का अकेला स्रोत नहीं है। कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए उन्हें वर्ष 1936 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इटली के मशहूर कलाकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, गणितज्ञ, इंजीनियर, वैज्ञानिक और लेखक लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में हुआ था। पुनर्जागरण के प्रतीक माने जाने वाले दा विंची को उनकी तकनीकी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। तकरीबन 13,000 पेजेस में नोट्स और चित्र के रूप में दर्ज उनके ज्यादातर आविष्कार विज्ञान के नियमों और प्रकृति से काफी प्रभावित रहे हैं। उड़ने वाली मशीनें, संयंत्रों के अध्ययन, युद्ध मशीनरी, शरीर रचना विज्ञान और वास्तुकला समेत सौर ऊर्जा पर बनाए अपने डिजाइन्स में उन्होंने विस्तृत रूप से सैद्धांतिक स्पष्टीकरण दिया है। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच यात्री रेलगाड़ी चलाई थी। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये भारतीय रेलवे की शुरुआत की दिशा में पहला कदम था। पहली रेल में कुल 14 डिब्बे थे, जिन्हें सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजन्स के सहारे चलाया गया था। इसे ठाणे पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट लगे थे। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट का निर्माण इसरो ने किया था, जबकि इसका प्रक्षेपण सोवियत रूस से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वहीकल के जरिए किया गया था। आर्यभट्ट सौर ऊर्जा संचालित था और उसे एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी में प्रयोगों के संचालन के लिए बनाया गया था। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in या आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताजा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी और हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें।